ठीक है, नमस्कार मेरे साथियों और सभी प्यारे बच्चों, आप सभी अच्छे हैं, ठीक हैं, मस्त हैं। देखिए, आज मैं आपको ले चल रहा हूं स्थिर क्वाथि मिश्रण। ये अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जैसे एज यू नो वेरी वेल सॉल्यूशन में से है। चूंकि इससे पहले देखिए आपने देखा है राउल्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। वहां हम दोनों में किस तरह से विभेद कर सकते हैं, क्या होता है, और थोड़ा सा जिक्र स्थिर क्वाथि के बारे में जहां इंडिकेशन आया हुआ था और उसकी हम बात करने वाले हैं स्थिर क्वाथि मिश्रण। तो प्लीज ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, स्थिर क्वाथि मिश्रण क्या होता है। ये हमारे पास विलयन है। स्थिर क्वाथि मिश्रण है, ये किससे बनाते हैं? खास बात ये है, बाय मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड्स, हम दो द्रव को मिलाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्थिर क्वाथि मिश्रण है। यू कह सकते हैं कि इसका जो निर्माण किया वो हमने किससे किया? एक हमने द्रव लिया ए, सो द्रव ए, और दूसरा, जैसे मान लो दूसरा पात्र ले लेते हैं, और सपोज वो द्रव बी। दोनों को इस पात्र में मिला दिया है, ऐसे सपोज कर लें आप। दोनों द्रवों को मिलाने के बाद एक हमारे पास जो मिश्रण प्राप्त हुआ है, तो हम कह सकते हैं एक तरह से द्रव मिश्रण है, ठीक है। द्रव मिश्रण बना क्योंकि दो द्रवों को मिलाकर के बनाया हुआ है। अब उस द्रव मिश्रण की क्या विशेषताएं होती हैं वो ध्यान दें। यह द्रव मिश्रण नंबर एक कैसा हो? एक तो ये कह सकते हैं कि इस तरह से जो विलयन बनेगा वो पहली बात तो ये है कि वो अनादर्श हो। कैसा विलयन होगा? अनादर्श विलयन होगा। और अनादर्श विलयन होगा तो आप समझते हैं कि राउल्स लॉ का फॉलो नहीं करेगा, राउल के नियम का पालन नहीं होगा। अर्थात सीधी सी बात यूं कह सकते हैं कि ऐसा मिश्रण जो द्रव से मिला करके बनाया हुआ है वो राउले नियम का पालन नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करता, मतलब कहने का मतलब ये। अब तो क्या होगा, उसमें तो कंडीशन आते हैं, ठीक है, तो वो बात की बात है। अनादर्श विलयन का निर्माण होगा, राउले नियम का पालन नहीं होगा इसमें, और जब इसको हम बॉइल करेंगे ऑन हीटिंग, तो जब इसको गर्म करते हैं तो देखिए, सपोज मान लीजिए द्रव ए है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कोई भी हो, सपोज वो T1 है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, वो T2 है। हम दोनों को लेके चल रहे हैं और यहां जो क्वथनांक मिश्रण होगा, दोनों द्रव को मिलाकर के जो विलयन बनाया होगा, तो देखो किसी का कम किसी का अधिक हो सकता है, परंतु जब उस मिक्सर को हम बॉइल करते हैं तो उसका ऐसा नहीं है कि दोनों का कोई एवरेज आ जाए, औसत आ जाए, वो होता है कॉन्स्टेंट, निश्चित बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक ही होता है, मान लीजिए वो टी होगा। यहां पर इस तरह का जो मिश्रण प्राप्त होगा ए और बी दोनों को मिलाने से बनाया हुआ है, तो यहां दोनों का एक डेफिनेट कंपोजिशन होगा, निश्चित अनुपात होगा, डेफिनेट रेशियो होगा। ऐसा नहीं चाहे जितनी मात्रा में मिला दिया जाए, निश्चित अनुपात होना चाहिए, डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा।
यहां कह सकते हैं कि लिक्विड ए इसकी कोई भी जो परसेंटेज होगी, सपोज हम मान लेते हैं कि एक्स परसेंटेज होगी और यहां इसकी कोई वाई परसेंटेज होगी, तो यहां एक्स और वाई की जो परसेंटेज होगी इन 100% टोटल वॉल्यूम कह सकते हैं, तो वो एक डेफिनेट होगी, एक निश्चित ही अनुपात होगा। हर किसी अनुपात पर इस टाइप के मिक्सर का निर्माण नहीं होगा, वो बात हम देखना चाहते हैं। ठीक है, ये बात आई समझ में। और क्या हो सकता है, जब ये सारी बात जब बॉइलिंग होगी तो एक तरह से हम यूं कह सकते हैं दो द्रव को मिलाकर के बनाया है, वो फिर मिलाकर के जो अगर वो मिश्रण प्राप्त हुआ और उसमें ऐसा हो रहा है, निश्चित बॉइलिंग पॉइंट होगा, निश्चित क्वथनांक होगा, और ये निश्चित क्वथनांक बिल्कुल कह सकते हैं पूरा मिश्रण एक शुद्ध द्रव के समान बॉइल होता है। कैसे होता है, एक शुद्ध द्रव के समान बॉइल होता है, मतलब लगता ही नहीं है कि वो मिश्रण हो, ऐसा लग रहा है कि उसमें कोई एक द्रव से भरा हुआ पात्र है और वो उबल रहा है, क्योंकि उसका क्वथनांक एक है, दो मिलाएं तो दो क्वथनांक नहीं है, एक ही क्वथनांक है। और ये चीज हम आगे देखेंगे कि वो दो क्वथनांक जो होंगे, वो क्वथनांक उस पूरे मिश्रण का होगा, क्या वो T1 होगा, क्या वो T2 होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा क्या, ठीक है, कौन सा नहीं होगा। तो ये खास बात याद रखना, इन दोनों में से न तो T1 होगा और ना ही T2 होगा, और T1 भी नहीं होगा, T2 भी नहीं होगा, तो तीसरा ही कोई इसकी वैल्यू होगी, और वो तीसरी वैल्यू भी ध्यान देना, चूंकि T1 से T2 या T2 से T1 की कोई रेंज कम ज्यादा किसी का भी हो सकता है, मतलब बात ये नहीं, मैंने तो कहा है, यानी एक परास होगी, चाहे ये परास हो चाहे ये परास, पर ये मतलब नहीं है कि जो मिश्रण होगा उसका जो T होगा क्या वो इनके बीच की वैल्यू होगी, मिनिमम और मैक्सिमम, क्या उसका मध्य की कोई वैल्यू आएगी, औसत होगा नहीं। तो इनमें से यह भी ध्यान नहीं रखना है, ऐसा भी नहीं होगा, जो परास में है तो ऐसा क्वथन बिल्कुल नहीं होगा, किसी केस में परास भी नहीं होगी, इवन इसमें से पूरी परास में ही इनके जो क्वथनांक होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, वो होते ही नहीं है। सो आउट ऑफ द रेंज कह सकते हैं, आउट ऑफ द रेंज क्या होगा, या तो मिनिमम वाले से मिनिमम हो जाएगा या फिर मैक्सिमम वाले से और मैक्सिमम होगा, ये ध्यान रखना है। इन बातों को अगर हम देखना चाहते हैं ये सारे बिंदुओं के साथ से, तो कह सकते हैं कि जो द्रव मिश्रण प्राप्त हुआ है उसका जो वाष्प अवस्था में और द्रव मिश्रण अवस्था में, द्रव मिश्रण अवस्था में जो उनका रासायनिक संगठन होता है, जो केमिकल कंपोजिशन होता है, वो बराबर होता है। अर्थात जो द्रव अवस्था, जैसे ये मिश्र है, जब इसको बॉइल करेंगे तो क्या होगा, इसकी वेपर बनेगी, बनेगी ना, वेपर बनेगी, तो ये कौन सी अवस्था हुई, लिक्विड स्टेट, और ये कौन सी बोलो, वाष्प अवस्था। तो जहां जो संगठन कंपोजिशन यहां पर होगा, वही कंपोजिशन वाष्प अवस्था में होगा, यहां कोई चेंज नहीं होगा, देयर इज नो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड्स इन द लिक्विड स्टेट ऑफ द मिक्सर एंड द वेपर फेज ऑफ द मिक्सर, यहां कोई चेंज नहीं होगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर ऐसा होगा तो समझ लीजिए कि वही विलयन क्या कहलाता है, उसी को हम कहते हैं जैसा कि लिखा है, स्थिर क्वाथी मिश्रण, इसको बोलते हैं एजियोट्रॉपिक, एजियोट्रॉपिक मिक्सर। सो हाउ कैन यू डिफाइन द एजियोट्रॉपिक मिक्सर, मिक्सर ऑफ टू लिक्विड्स इन अ डेफिनेट कंपोजिशन विच बॉयल्स लाइक ए प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, इज नोन एज एजियोट्रॉपिक मिक्सर एंड केमिकल कंपोजिशन इन वेपर स्टेट एंड द लिक्विड मिक्सर स्टेट इज सेम,
ये आपको याद रखना है, तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, हमारे पास इस त्रिपाती मिश्रण की या विलयन की ये परिभाषा आती है, ये सारी बातें हैं। अब ये एजियोट्रॉपिक, चूंकि आपने देखा है रावले नियम का जो फॉलो नहीं होता है, फॉलो नहीं होता है, तो क्या होगा फिर? जब डेविएशन कहीं से होगा तो दो तरह का होगा, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। पानी का गिलास पूरा लेवल में भरा हुआ है, इतना डालना है कि पानी का गिलास भर जाए, तो उसकी अगर वो कंप्लीट फिलिंग में है तो भरा हुआ है। अगर मान लो कि उसकी नहीं भरा होगा तो दो कंडीशन हो सकती है, इसकी दो जो डेविएशन होंगे वो क्या, इतना पानी डाले कि वो पानी का गिलास भरे ही नहीं, दिखे ही नहीं, थोड़ा सा डाल दे आधा कप, गिलास नहीं भरेगा, ये भी इनकम्प्लीशन है। एक ऐसा करें कि एक गिलास दिख रहा है और उसमें 100-200 ml पानी आएगा, कितना है वो हमें दिखाई दे रहा है, और उस उम्र लेकर के मटके से उस गिलास को भर रहे हैं तो क्या होगा, फैलेगा। तो कह देते हैं कि ओवर, जैसे ओवर स्मार्ट, एक स्टूडेंट बहुत कमजोर होता है, एक कहते ना ओवर स्मार्ट, ओवर इंटेलिजेंट, एक इंटेलिजेंट होता है तो उसके दो क्या, या तो लोअर या अपर, बिल्कुल वैसा ही इसमें होगा। तो उसके बेस पर हम आगे ये देखना चाहेंगे कि इस त्रिपाती मिश्रण कितने टाइप के होते हैं, कौन से होते हैं। सो बेस्ड ऑन दिस ऑल दी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। आगे बात आ रही है इस त्रिपाती मिश्रण के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। सो ये विलयन दो प्रकार के होते हैं। अब नंबर वन, देखिए यूं कह सकते कि चाहे तो आप देखो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सर, और इसी के साथ में अगर वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर एजियोट्रॉपिक लिख सकते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सर, क्योंकि मैं निम्न लिख दूं, जहां मिनिमम निम्नतम क्वथनांकी, ये हिंदी में क्वथनांकी अथवा उच्चतम वाष्प दाबी स्थिर क्वाथी मिश्रण, इसका अपोजिट दूसरा होगा वो कौन सा होगा, तो नंबर टू मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सर, और इसका अपोजिट मिनिमम वेपर प्रेशर्ड एजियोट्रॉपिक। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, अर्थात अधिकतम या उच्चतम, उच्चतम क्वथनांकी या निम्नतम वाष्प दाबी। तो इस तरह से हमको क्लासिफाई करना है। तो पहले हम इसको देखना चाहते हैं क्या होता है इसमें, तो ठीक उसी तरह से मैं उदाहरण के माध्यम से लेना चाहूंगा। देखिए यहां जो वाटर है और एल्कोहल का जो मिक्सर है, मिक्सर है, तो अगर हम इस मिक्सर की बात करते हैं तो कितना होगा, 95.6% अप्रोक्स, ये डेफिनेट कंपोजिशन है, और 95.6 हो गया तो कितना रह गया रिमेनिंग, जो वो आप निकाल सकते हो, 4.4% वाटर है, और 95.6% क्या लेना है, एल्कोहल लेना है, और इस एल्कोहल इतनी अमाउंट वाटर के लेकर के हम मिक्सर तैयार करेंगे तो वो इसमें आएगा। देखिए कितना लिया, ये कितना लिया दिख रहा है आपको, 4.4%, और आपको ये भी याद रखो वो अपने आप दूसरा हो जाएगा। इन दोनों को मिक्स करके हम एक सॉल्यूशन मेकअप करते हैं,
ये मिक्सर बनाया गया एजियोट्रोपिक बना है, एजियोट्रोपिक मिक्सर हमारे पास तैयार हो गया है। अब देखना है कि ये मिनिमम बॉइलिंग कैसे होता है। देखिए वाटर की बात करते हैं, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपको सभी बच्चों को अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, एज यू नो वेरी वेल, एंड इन केल्विन स्केल 100 प्लस 273.15 ऐड करते हैं। 15 को लेना चाहे नहीं ले, तो आप यूं याद रखें कि इस जो टोटल करोगे तो कितना आएगा 273 और वो 373 केल्विन, वो डेसिमल को छोड़ दिया है, आप इतना ही याद रखें। और इसकी जो वैल्यू आती है वो ध्यान दें, वो 300 जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 51.37 की होता है। आप पॉइंट इतना ही याद रखो, मतलब 30 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, कहीं 7 है तो फ्रैक्शन में आती है। अब देखिए ये तो है मैक्सिमम वाला है, और ये बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा है, मिनिमम है इस रेंज में। तो यहां से यहां तक की रेंज बन रही है। अब इस जो एजियोट्रॉपिक मिक्सर है उसका बॉइलिंग पॉइंट एक ही होना चाहिए, इट बॉइल्स अप जस्ट लाइक ए प्योर लिक्विड ऑन हीटिंग। तो यहां यह देखना है कि यह मिनिमम में क्यों आता है। देखिए 351 से लेकर की रेंज है 351.37 जो भी कुछ है वो नहीं होगा, और इसका 373 केल्विन इससे ऊपर भी नहीं होगा। इसका जो फिक्स जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इन अ मिक्सर कंडीशन तो वो होता है 351.15 केल्विन। प्लीज अटेंशन हियर, यहां पॉइंटों में फर्क है, 37 की जगह कितना आ रहा है 15 लेस होगा, मिनिमम से भी और मिनिमम। तो इसलिए हम इसको किस में रखते हैं, मिनिमम बॉइलिंग। तो जो मिनिमम बॉइलिंग कंपोनेंट होता है, प्लीज ध्यान देना, ये मैक्सिमम बॉइलिंग कंपोनेंट हो गया घटक, और ये मिनिमम बॉइलिंग कंपोनेंट है। तो मिनिमम बॉइलिंग कंपोनेंट से भी जब मिक्सर का एजियोट्रोपिक मिक्सर होता है उसकी बॉइलिंग और लो हो जाए, देन इट इसको किस में इंक्लूड करते हैं, निम्नतम क्वथनांकी अथवा उच्चतम वाष्पदाबी स्थिर क्वाथी मिश्रण कहेंगे। ठीक है, तो देखिए अब बात ही आती, दूसरा शब्द क्यों लिया उच्चतम, आपको मालूम है जिसका क्वथनांक कम होगा ना, क्वथनांक कम होगा वो जल्दी से वेपोराइज होगा, जल्दी से बॉइल होगा, जल्दी से बॉइल होगा तो उसकी वाष्प क्या होगी, बहुत अधिक मात्रा में बनेगी ना, तो वाष्प जब ज्यादा बनेगी तो इसीलिए वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। इसीलिए इसको हम कहते हैं जिसका क्वथनांक कम होगा तो उसका वाष्प दाब हाई होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसी के साथ आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो मैंने कहा कि जिसकी टी थी T1, T2 मान लिया जाए तो T1, T2 दोनों से क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, और वेपर प्रेशर क्या होगा वो हाई, जैसे कि राउल्ट के नियम में। तो इससे बात एक समझ में आती है, ये कौन सा वाला स्थिर क्वाथी मिश्रण है जिसका क्वथनांक कम वाष्प दाब अधिक, वाष्प दाब में वृद्धि होती है तो कौन सा विचलन होता है, याद होगा धनात्मक विचलन। अर्थात ये जो मिश्रण होगा वो हम कह सकते हैं कि राउल्ट नियम से कैसा विचलन होगा, से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन माने जाते हैं। आपको लिखाया भी होगा कि जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं अनादर्श विलयन वे निम्नतम क्वथनांकी अथवा उच्चतम वाष्पदाबी स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। एक फर्स्ट ये आपका कंप्लीट है, अब सेकंड, दूसरा देखिए, इसके लिए अब हम उदाहरण का प्रयोग करते हैं, कितना परसेंट
जैसे HCl और जल, जल के साथ ही मिला रहे हैं, दोनों को मिलाएंगे तो यहां HCl भी कितनी अमाउंट है वो ध्यान रखना है। ठीक है, चलो मैं यहां लिख देता हूं, चित्री बना देता हूं। ये हम क्या ले रहे हैं, HCl और प्लस दूसरा जो लिक्विड है वो क्या है, वो तो हमारा फेवरेट वाटर है। तो एक तो HCl लिया, दूसरा वाटर लिया, कितना लेना है ये हमारी कुछ याद करने वाली वैल्यू है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली प्रूव होता है किस कंपोजिशन में मिला करके और उसका इस तरह बाकी मिश्रण हम तैयार कर पाएंगे। तो HCl की जो परसेंटेज है वो है 20.3% लेते हैं। अब बाकी कितनी बची आप खुद कर सकते हो, कितनी बची 79.7, ये आप लिख सकते हो 79.7% वाटर हो और दोनों को मिला करके एक बढ़िया सा बिलियन तैयार कीजिए बच्चों। और जब बिलियन तैयार करोगे, ठीक है, ये मिक्सर बना दिया आपने, शरबत, ठीक है, मजे आएंगे ना। तो शरबत बना दिया है, इस HCl की परसेंटेज इतनी है। यहां जो HCl ले रहे हैं वो ध्यान दें, इसका तो हमें बॉइलिंग पॉइंट पता है 373 केल्विन होता है, पहले से ही है। इसका कितना होता है वो आपको याद रखना है, 188 केल्विन होता है। कितना, 188 केल्विन होता है। अब ये आप देखिए कि इसका जो है वो मिनिमम है या नहीं, ये मैक्सिमम है या नहीं, है ना। अगर मिनिमम वाले से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए तो मिनिमम में, अगर मैक्सिमम वाले से ज्यादा हो तो मैक्सिमम में। अब होता कितना है रियली, तो ये अपने पास जो एजियोट्रॉपिक मिक्सर तैयार है, वास्तव में रियली जो इसका बॉइलिंग टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं इसे, तो टेम्परेचर वो होता है इसका 383 केल्विन। तो प्लीज अटेंशन, देखिए, नजरें बनाए रखिए। तो यहां जो 383 तापमान है, बोलो इससे भी ज्यादा है कि नहीं, हाई हाई है ना, हाई। तो 383 केल्विन है, अर्थात देखो इस रेंज से भी बाहर गया, पर बाहर कौन सी गया, अपर रेंज वाले में गया, इन लोअर रेंज में गया, अपर वाले में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सर, और इन अनदर वर्ड्स मिनिमम वेपर प्रेशर एजियोट्रॉपिक मिक्सर। ठीक है, तो शायद ये उदाहरण के माध्यम से ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। इसका एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर टू उसी का है, प्लीज ध्यान देना। यहां ये देखिए, जो दो तीन एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, ये मोस्टली वो एग्जाम्पल्स हैं जो जनरली बोर्ड एग्जाम्स में या इन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पूछे जाते हैं। यू तो अपने पास सैकड़ों और हजारों एग्जाम्पल दुनिया बसी पड़ी हर किसी की, पर हम वही चीज ज्यादा समझने की कोशिश करें जो हमारे लिए ज्यादा इंपोर्टेंट हो, वही काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक लिक्विड लेते हैं नाइट्रिक एसिड और दूसरा लिक्विड है वही वाटर, वाटर ऑफ इंडिया है। तो पहला कौन सा लिया, नाइट्रिक एसिड, और दूसरा तो है ही हमारा फेवरेट, जल ही जीवन है। तो नाइट्रिक एसिड की जो परसेंटेज है, जो डेफिनेट कंपोजिशन है, वो कितनी है, 68% नाइट्रिक एसिड लेना है, ध्यान रखना। ऐसा मत सोचना पानी को ज्यादा लेना है, जो लिख रहा हूं वो यही याद करनी है, बात दूसरे की लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो सब समझते हैं, 100 में से आप ऐसा कर दोगे। फिर भी कितना हुआ, 32.2% होगा ना, होगा। तो ये कंपोजिशन है, दोनों को मिलाकर के एक नया विलयन तैयार करोगे, ये आपको बढ़िया सा पात्र है, चांदी का पात्र है, चांदी का नहीं है वैसे, ये ग्लास है तो मैं तो बोल रहा हूं, उठा के ले लीजिए। तो ये जो पात्र है जिसमें जो विलयन बना करके तैयार कर रहे हैं हम, समझना है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होगा। वो बॉइलिंग पॉइंट किसे लिखते हैं, टी, और इसका टी1 किसी को भी मान लिया जाए,
आप इसको T1 कहो, T1 का मतलब ये नहीं होता कम होता है, और एक को T2 कहें तो उसकी रेंज से आप देखिए इर्द गिर्द कितना होता है, ये तो आप जानते ही हैं कितना है, 373 केल्विन, एज यू नो। और इसको आपको याद करना है, सो 359 केल्विन दोनों के हो गए। हमें यहां पर ये बॉलिंग देखना है रियली में क्या होता है, जो प्रैक्टिकली हमको जहां काइनेटिक स्टडीज होती है तो वो जब स्टडी करते हैं तो उसको प्रैक्टिकली हमें कितना मिलता है, तो 393.5 अप्रोक्स बॉइलिंग टेम्परेचर अचीव होता है। सो दिस मिक्सर बॉइल्स अप एट द डेफिनेट टेम्परेचर दैट इज 393.5 केल्विन व्हिच इज ग्रेटर देन, देखिए इसमें आप देख रहे हैं वही वाले, ये मिनिमम है कि नहीं है ना, ये मैक्सिमम है कि नहीं है कि नहीं, तो मैक्सिमम वाले से भी और मैक्सिमम है, तो जब मैक्सिमम वाले से मैक्सिमम है तो ये किस में शामिल होगा, किस में शुमार किया जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग अर्थात उच्चतम पतनांक की स्थिर क्वांटम मिश्रण अथवा, और जब जिसका बॉइलिंग ज्यादा हो जिसका टेम्परेचर हाई हो बॉइलिंग के लिए, उसकी वेपर कम बनेगी, और वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर अर्थात वाष्पता भी कम होगा, इसीलिए बोलते हैं निम्नतम वाष्पता भी स्थिर क्वांटम मिश्रण। देखिए सिंपल एग्जांपल आप समझते हैं, मैं थोड़ा समझने के लिए, वैसे जानते हैं आप जल, और आपके लिए सबसे बढ़िया चीज जिसको आप प्रैक्टिकली सब समझते हैं पेट्रोल, जल का क्वथनांक हाई होता है पेट्रोल का कम होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है और इसका लो होता है, ठीक है, तो जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है उसका वेपर प्रेशर बोलो कैसा होगा, और जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट है आप ही बताओ, एक बोतल में अगर पानी भर दिया जाए और पेट्रोल भर दी जाए, दोनों बोतलों को बड़ी कड़ी धूप में जून के महीने में रख दिया जाए दोनों, बताइए कौन सा किसका ढक्कन सबसे पहले खुलेगा, पेट्रोल का, क्यों ये तो सब जानते हैं उसका ढक्कन खुलेगा, लेकिन क्यों, क्योंकि जहां पेट्रोल होगी उस पेट्रोल वाली जो बोतल होगी, उसके ढक्कन जो पेट्रोल भरी है गर्मी की वजह से इतनी बास बनेगी इसका वेपर प्रेशर बोलो हाई हो जाएगा, और जब हाई हो जाएगा मौका मिला तो ढक्कन तोड़ के बाहर पेट्रोल, पानी के लिए ऐसा संभव नहीं होगा, होगा तो बहुत ज्यादा ही प्रेशर पे। तो मेरा मतलब आपको बताना था, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है उसका वेपर प्रेशर कम होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है उसका वेपर प्रेशर हाई होता है। तो देखो जिसका लो है उसका हाई, जिसका हाई बीपी है उसका, तो समझ लो जिसका बीपी हाई लो वीपी, और जिसका बीपी लो हो जाए उसका वीपी हाई, उल्टा कर दो बीपी और वीपी। तो देखिए इस प्रकार से ये स्थिर क्वाथी मिश्रण का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे बाद में, और वो मिलते हैं अगली मुलाकात में।